रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ सहित मेडिकल स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। पूरा स्टाफ आईसीयू और अन्य वार्ड में काम छोड़कर कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गया। सभी ने दो दिन पूर्व ही नियमितीकरण और स्थायी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग का ज्ञापन दिया था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर कोविड स्टाफ धरने पर बैठ गया, जिसके चलते कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है। हमारा ये कारण है कि हम मार्च से यहाँ पर, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है रतलाम में, हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करके ड्यूटी करी है। उस टाइम पे किए जब कोई भी ड्यूटी करने को तैयार नहीं था और हम सभी लोगों ने साथ में की। अब ये ऑर्डर आए कि सिर्फ 48 स्टाफ को रखा जाएगा, बाकी स्टाफ को बंद किया जाएगा। तो हमारा ये कहना है 48 स्टाफ भी काम नहीं करेगा, हम सेवाएँ देंगे तो पूरे देंगे, नहीं तो कोई भी नहीं देगा। इसलिए आज से हमने हमारा काम बंद कर दिया। मैं हड़ताल पे नहीं बैठा हुआ, हड़ताल खत्म हो चुकी है। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ 68 नर्सेस थी और हमको 48 की परमिशन मिली थी एक तारीख से रखने की, तो इस कारण ये स्टाफ को कर रहा था। कल ये बात क्लियर हुई है, तो ये बात कल क्लियर हो गई है और आज ये बात सीएमएचओ से हमारी क्लियर हो गई, तो सीएमएचओ ने जो बची हुई नर्सेस हैं 15 वो सीएमएचओ की तरफ से रखी जाएंगी यहाँ पे और उनको वही कार्य करती रहेगी।